In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. This is Zahid Ali in front of you and saying Assalamu Alaikum to you all. Well, today we are discussing about very important topic, rationalization. Exercise 2.8, it is very important for class matric, for class 9 and for class 8 students. Inshallah, in this video we will solve question number 2 and question number 4. So please pay attention out here. Question number 2, if x is equal to 2 under root 3, find the values of x plus 1 over x and x square plus 1 over x square. Students, in this video, in this questions, if अगर हमारे पास x की वैल्यू 2 अंडर रूट माइनस 3 है, 2 माइनस अंडर रूट 3 है, और हमें मालूम करना है x प्लस 1 ओवर x, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर, यानी क्वेश्चंस आपसे क्या डिमांड कर रहा है, क्वेश्चंस आपसे डिमांड कर रहा है कि आपने x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड करनी है और x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, हमारे पास x की वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब जब x की वैल्यू हमारे पास गिवन है तो हमें किस चीज की जरूरत है, 1 ओवर x की नीड है। सो अगर हमें 1 ओवर x की नीड है तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, सॉल्यूशन बहुत ध्यान से देखिएगा, 1 ओवर x की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है, और इसको हमें क्या करना है, रैशनलाइज करना है, ठीक है। 1 ओवर x यानी 1 इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2 माइनस अंडर रूट 3। रैशनलाइज में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की जो वैल्यूज होगी उसे हम उसके सिग्नेचर को चेंज कर देंगे और दो दफा न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर में पुट कर देंगे। स्टूडेंट बड़े ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पे प्लस होता, ऑपरेशन प्लस की इस्तेमाल होती, यहाँ पे यूज हो रही होती, तो हम यहाँ पे क्या कर देते, माइनस कर लेते, यहाँ पर भी क्या हो जाता, माइनस हो जाता। तो अभी यहाँ पे माइनस यूज हो रहा है तो हमने इसको रैशनलाइज कर लिया, इसके डिनोमिनेटर यहाँ पे जाके न्यूमिरेटर में भी 2 प्लस अंडर रूट 3 हो गए और न्यूमिरेटर के साथ डिनोमिनेटर में भी 2 प्लस अंडर रूट 3 हो गए। हम इस पूरे सेट को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3। अब हमारे पास 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 यहाँ पे बन रहा है, तो हमने क्या कर लिया, 2 के 2 स्क्वायर ले लिया बेटा, माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 3 का होल का स्क्वायर। ये जवाब देख लीजिएगा बेटा, 2 अंडर रूट 2 को हमने क्या कर लिया, 2 और इस 2 को क्या कर लिया, स्क्वायर के फॉर्म में लिख लिया, माइनस प्लस माइनस हो गए बेटा, मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहां पे भी इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया। अब 1 ओवर x इज ऑल अबाउट 2 अंडर रूट 3, 2 इज टू 2, यानी हम 2 को दो दफा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 4, यानी 2 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 4 माइनस अंडर रूट से ये अंडर रूट, सॉरी स्क्वायर से ये अंडर रूट हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। बेटा आपको पता होगा अंडर रूट इज ऑलवेज इक्वल टू, यानी अंडर रूट किसके इक्वल होता है, 1 ओवर 2 के इक्वल होते हैं, तो हमने स्क्वायर से इस अंडर रूट को कैंसिल आउट कर लिया, हमारे पास यहां पे बच गया 3। 1 ओवर x इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3, 4 माइनस 1 डिनोमिनेटर में 1 आ गया, आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए, अदरवाइज इट्स अप टू यू कि आप यहाँ पे 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1 यहाँ लिखते हैं या नहीं लिखते, यह आपकी मर्जी है। यानी बेटा हमने फाइंड कर लिया हमारे पास 1 ओवर x की वैल्यू क्या आ गई, 2 प्लस अंडर रूट 3। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या डिमांड कर रहा है कि हमें x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड करनी है। बेटा x की वैल्यू मैंने आपसे कहा मौजूद है क्वेश्चन में, 2 माइनस अंडर रूट 3, प्लस का ऑपरेशन यूज करेंगे, 1 ओवर x की वैल्यू हमारे पास फाइंड होकर आ गई है 2 प्लस अंडर रूट 3।
अब देखिएगा बेटा x plus 1 over x is equal to 2 minus under root 3 plus, अच्छा बेटा इस सवाल को गौर से देखेंगे, बहुत आसान सवाल है बेटा। 2 यहां पे क्या है बेटा, कोई भी सिग्नेचर नहीं होती, तो प्लस है पॉजिटिव, माइनस अंडर रूट 3 प्लस पॉजिटिव 2 माइनस प्लस अंडर रूट 3 प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए, माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 कैंसिल आउट हो गए बेटा, यहां से आपके पास बचा 2, यहां से आपके पास ऑपरेशन से बचा प्लस का 2। इस तरह x plus 1 over x की वैल्यू हमारे पास आ गई बेटा 4। हमने क्या फाइंड कर लिया, x plus 1 over x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। अब हमसे क्या डिमांड कर रहे हैं क्वेश्चन, बताइए x square plus 1 over x square की वैल्यू क्या होगी। बेटा इस सवाल से करने से पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, हम क्या कर लेंगे बेटा, x plus 1 over x को स्क्वायर कर लेंगे इक्वल टू बोथ साइड, यानी एक आपके पास x plus 1 over x स्क्वायर में आ गया, एक आपके पास 4 over x। इसको देखेंगे तो ये कौन सा फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है a plus b होल स्क्वायर, किसके इक्वल होते हैं बेटा, a स्क्वायर plus 2ab प्लस बी का स्क्वायर, पॉजिटिव का सिग्नेचर है पॉजिटिव है, तो हम ए प्लस बी होल स्क्वायर लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर, तो हमारे पास ये फॉर्मूला जनरेट हो गया, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू फोर का स्क्वायर, जो कि सेकंड टाइम्स आपके पास रहेगा। इसको मैंने कहा बेटा ए है ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, इसे हमने कहा बी है, इसे फॉर्मूलास में पुट करना है, ए स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख लिया, 2ab यहाँ पे आ गया बेटा, बी का स्क्वायर यहाँ पे आ गया। मैंने आपसे कहा ये आपके पास ए है और बराबर है आपके पास बी है, आपने इसको फॉर्मूले में पुट करना है, बिल्कुल इजी हो गया, ए की जगह में ए, 2a, ए क्या है आपके पास x, ठीक है बेटा, बी क्या है आपके पास 1 over x, बी क्या है आपके पास 1 over x। देखिए बेटा ए की वैल्यू ए में पुट कर दी, बी की वैल्यू बी में पुट कर दी, ठीक है बेटा। अब इसको सॉल्व आउट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस x से ये x कैंसिल हो गया आपके पास बेटा, क्योंकि डिवाइड हो रहा था और ये फॉर्म थी, x से x आपके पास कैंसिल आउट हो गया, प्लस 2 1 सा 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर आपके पास आ गया बेटा x का स्क्वायर इक्वल टू बेटा 4 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 4 4 सा 16। स्टूडेंट ये गलती कर लेते हैं 4 2 सा 8 जो कि गलत है, आपने स्क्वायरिंग करनी है 4 into 4 16। अब आपने क्या कहा, x का स्क्वायर प्लस 1 over x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, या आपके पास बेटा देखिए यहां पे पॉजिटिव है, ये यहां पे जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्यों, प्लस साइन है, इक्वल टू के इक्वल टू से उस तरफ जाएगा, तो आपके पास हो गया x का स्क्वायर प्लस 1 over x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 2 इज 14, या आपके पास आ गया x स्क्वायर प्लस 1 over x स्क्वायर इज ऑल अबाउट 14, या आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया, 1 over x की वैल्यू फाइंड की जो हमने यहां पे फाइंड कर ली, फिर हमने x प्लस 1 over x की वैल्यू फाइंड की और उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड करके इस फॉर्मूले को यूज किया और इस फॉर्मूले को पुट करने के बाद हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 over x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 14। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएंगे बेटा, बल्कि क्वेश्चन नंबर 3 इज मोस्ट इजी है बेटा, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में होगा, अगर आपने इस वीडियो में इस लेक्चर को समझ लिया है तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है, आप देख लीजिएगा अपने बुक में। If p is equal to 3 plus 2 under root 2, find the value of p बराबर p, p square plus बराबर p square। ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपसे ये सॉल्व आउट हुआ या नहीं हुआ। अगर ये आपसे सॉल्व आउट नहीं होता तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे भी वीडियो बना के सेंड करूंगा। अभी आप क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा आपके पास, इफ q is equal to under root 2 plus under root 3, find the values
फाइंड द वैल्यूज ऑफ क्यू माइनस वन ओवर क्यू एंड क्यू स्क्वायर प्लस वन ओवर क्यू का स्क्वायर। बेटा ध्यान से देखिएगा, हमने क्वेश्चन नंबर टू किया, थ्री मैंने आपके लिए छोड़ा है, बिल्कुल टू के फॉर्मेट पे थ्री का क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें माइनस से डिफरेंस है कि हमने यहाँ पे माइनस आ गया, तो मैं आपको उसको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। बेटा फॉर्मेटिंग वही रहेगी, यहाँ पे इसकी जगह क्यू दे दिया सवाल में, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। क्यू की वैल्यू आपके पास गिवन है, वापस अगेन वन ओवर क्यू हमको बनाना है, ताकि वन ओवर क्यू से हम इस प्रोसीजर को सोल्व करें और इस प्रोसीजर को सोल्व करें। याद रखिएगा बेटा, फिर सवाल आपसे क्या डिमांड कर रहा है, सवाल आपसे डिमांड कर रहा है बेटा बताइए क्यू माइनस वन ओवर क्यू क्या होगा, क्यू का स्क्वायर प्लस वन ओवर क्यू का स्क्वायर क्या होगा। सोल्यूशन में जाने से पहले मैं पहले फॉर्मेटिंग करूंगा, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट है वन ओवर क्यू की, जो कि क्वेश्चन में प्रेजेंट नहीं है। वन ओवर क्यू मैंने वन यहाँ पे लिखा, क्यू की वैल्यू हमने कर ली अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट थ्री मल्टीप्लाई रेशनलाइज कर रहे बेटा, अभी हमने आप इसी क्वेश्चन से बताया आपको, जो भी डिनोमिनेटर में नंबर होगा हम इसको न्यूमिरेटर बना देंगे, पॉजिटिव साइन विल बी चेंज इनटू नेगेटिव साइन, और यहाँ पे अगर नेगेटिव साइन होता तो वो विल बी चेंज इनटू पॉजिटिव साइन। डिनोमिनेटर और न्यूमिरेटर में हमने कर लिया, इसको हमने कहा कि हमने रेशनलाइज कर दिया। इस फॉर्मेटिंग को हमने क्या कर लिया, रेशनलाइज कर लिया, रेशनलाइजेशन कर ली, जो कि आपका टॉपिक है। वन ओवर क्यू इज इक्वल टू, इस पूरे फॉर्मेटिंग को वन के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया, तो अंडर रूट टू मल्टीप्लाई बाय वन अंडर रूट टू माइनस अंडर रूट थ्री मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट थ्री, क्या आ गया आपके पास अंडर रूट का थ्री। अब देखेंगे बेटा अंडर रूट टू और अंडर रूट टू, हमारे पास कितने अंडर रूट टू हो गए, टू अंडर रूट टू प्लस माइनस माइनस अंडर रूट थ्री प्लस अंडर रूट थ्री मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट थ्री, हमारे पास क्या हो गए प्लस माइनस माइनस अंडर रूट थ्री मल्टीप्लाई बाय अंडर टू अंडर रूट थ्री का स्क्वायर। वन ओवर क्यू अंडर रूट टू डिवाइडेड माइनस अंडर रूट थ्री। अब यहाँ पे देखेंगे बेटा, मैंने आपसे फिर कहा, अभी हम वापस कह रहे हैं कि ये अंडर रूट इक्वल होता है वन ओवर टू के, जो कि कैंसिल आउट हो जाते हैं। इस टू से इस अंडर रूट को मैंने कैंसिल कर लिया, इस टू से इस अंडर रूट टू को मैंने कैंसिल कर लिया, अंदर हमारे पास क्या ब्रैकेट में फाइंड आउट में टू माइनस थ्री, ये वन ओवर क्यू हमारे पास आ गया अंडर रूट टू माइनस अंडर रूट थ्री, यहाँ पर आ गया माइनस का वन। माइनस का वन मैंने क्यों लगाया बेटा, टू में से थ्री है, थ्री के पास लार्जर नंबर है, लार्जर नंबर के पास माइनस का साइन है, तो हम अपने माइनस के साइन को पुट करेंगे। बेटा बस माइनस से डिफरेंस है, क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर टू बिल्कुल सिंपल वे में होगा, क्वेश्चन नंबर जो फोर है, जो हमने अभी टू किया वो थ्री मैंने आपको दिया है, ठीक है आप मुझे बताएंगे करके कमेंट में। ये क्वेश्चन नंबर फोर में कुछ थोड़ी सी ये डिफरेंट बेटा, मैंने आपसे क्या कहा था आप डिनोमिनेटर में नंबर लिखें या नहीं लिखें ये अप टू यू, लेकिन किस केस में जब वो पॉजिटिव आ रहा हो, जैसे कि हम वन प्लस का था इससे पहले सवाल में, तो हमने उसे इग्नोर कर लिया था, डिनोमिनेटर में नहीं लिखा था। लेकिन बेटा यहाँ पे देखिएगा माइनस वन आ रहा है, तो लिहाजा इस माइनस को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, वन ओवर क्यू माइनस प्लस माइनस यानी अंडर रूट टू माइनस का हो गया, माइनस माइनस प्लस अंडर रूट थ्री। बेटा इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब इसको देखने के बाद हमने क्या किया, वन ओवर टू के बाद हमें क्या मालूम करना है बेटा, क्यू माइनस वन ओवर क्यू, क्यू की वैल्यू मेरे पास क्या है बेटा मौजूद है अंडर रूट टू माइनस सॉरी प्लस अंडर रूट थ्री। माइनस का सिग्नेचर आ गया, जब भी माइनस लगाते हैं ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, माइनस वन ओवर क्यू जो हमने फाइंड आउट किया क्या है बेटा माइनस अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट थ्री। क्यू माइनस वन ओवर क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट थ्री माइनस माइनस प्लस अंडर रूट टू माइनस प्लस माइनस अंडर रूट थ्री। अब देखेंगे बेटा प्लस अंडर रूट टू थ्री माइनस अंडर रूट थ्री कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास क्या बचा है क्यू माइनस वन ओवर क्यू इज ऑल अबाउट अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू। जब अंडर रूट टू प्लस प्लस हो रहे हैं बेटा, तो हमने क्या कर लिया क्यू माइनस क्यू इज इक्वल टू टू अंडर रूट टू, यह हमारे पास आ गया आपका क्यू माइनस वन ओवर क्यू। थर्ड स्टेप हम कर रहे हैं बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड, इससे पहले भी हमने किया था
स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्यों? क्योंकि हमें मालूम फाइंड आउट करना है q का स्क्वायर प्लस 1 ओवर q का स्क्वायर, q माइनस 1 ओवर q स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, बहुत ध्यान से देखेंगे। वापस मैंने कहा कि हम ये वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं, यहां पे लिख रहा हूं मैं फार्मूला, ठीक है, आप यहां पे या यहीं पे लिख लेते हैं ये वाला फार्मूला। a माइनस का हो रहा है बेटा, तो हमने माइनस का फार्मूला यूज कर a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। a माइनस b होल स्क्वायर किसके बराबर होते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब मैंने आपसे फिर कहा बेटा इसको हम कह रहे हैं a, इसे हम कह रहे हैं b, ठीक है बेटा। अब पुट करना है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर डिवाइड इस 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब देखेंगे q यानी a, a यानी q, 1 ओवर q यानी b, 1 ओवर q यानी b, इसको सॉल्व आउट करते हैं। q का स्क्वायर माइनस इस q से इस q को कैंसिल आउट कर दिया, माइनस का 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, q का स्क्वायर 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर 2, यानी 2 का स्क्वायर क्या हो बेटा 4, इस q से इस q को कैंसिल कर लिया तो हमारे पास यहां पे क्या बच गया 2 बच गया। अब यहां पे देखिएगा मैं इस प्रोसीजर को मिटा रहा हूं, ठीक है, देखिए बेटा क्या किया हमने, q का स्क्वायर q स्क्वायर माइनस q से q कैंसिल हो गया हमारे पास माइनस का 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, q का स्क्वायर q, यहां पर हमने क्या किया 2 का स्क्वायर 2, यानी ये 2 इसके साथ भी है, ये 2 इस अंडर रूट 2 के साथ भी है, 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट यानी 2 से अंडर रूट, जो मैंने अभी यहां पर आपको समझाया था इसके इक्वल होता है, इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया, 2 हमारे पास रिमेनिंग बचा। क्या आया हमारे पास, q का स्क्वायर माइनस, अब देखें ये प्लस का प्लस 1 ओवर q का स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा इसको हम एक और फिर लिख लेते हैं, q का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 ओवर q का स्क्वायर इक्वल टू 4 2 जा 8, ठीक है बेटा। अब देखिएगा q का स्क्वायर प्लस 1 ओवर q का स्क्वायर इक्वल टू 8, ये यहां पे माइनस का है, देखो बेटा ये यहां जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया q स्क्वायर प्लस 1 ओवर q स्क्वायर इज ऑल अबाउट 10। इस तरह हमने क्वेश्चन की जो डिमांड थी उसको पूरा कर लिया, q स्क्वायर प्लस 1 ओवर q स्क्वायर हमारे पास आ गया 10। ये था बेटा इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मैंने आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 9 व्हिच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वो हम करेंगे इंशाल्लाह वेरी सून। यहां तक के लिए अगर कोई भी समझ नहीं आया, कोई भी स्टेप आपको समझ नहीं आया, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3 जब आप ट्राई करेंगे वो आपको अगर क्लियर नहीं होता तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। लाइक द चैनल, शेयर द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मुलाकात होगी, थैंक यू सो मच।